नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साथ ही इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है, इसीलिए इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही यह चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसीलिए इसका सूतक भी मान्य होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने जा रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ कि क्या इस दिन खीर का भोग लगेगा या नहीं लगेगा। तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें और जरूर जानें कि इस बार खीर का भोग लगाएं या नहीं लगाएं। इस साल शरद पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। साथ ही इस बार चंद्र ग्रहण भी 28 अक्टूबर 2023 यानी शनिवार को लगने जा रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान होगा। मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए इस दिन चंद्रमा को भोग में खीर अर्पित की जाती है। फिर उस भोग को खुले आकाश के नीचे रखा जाता है, जिससे कि भोग में चंद्रमा की रोशनी पड़ सके और जीवन अमृतमय हो सके। पूर्णिमा तिथि इस बार 28 अक्टूबर 2023 को शनिवार की सुबह 4:17 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 29 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:53 पर होगा। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को ही पड़ रही है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भले ही लग रही है, लेकिन शरद पूर्णिमा साल में एक बार ही आती है, तो इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। तो पूजा अर्चना भी की जाएगी और साथ ही चंद्रमा को खीर का भोग भी लगाया जाएगा। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक बार प्रेम से बोले जय गणेश लक्ष्मी। एक बार फिर से आप सभी को शुभकामना है। अपने अपने घरों में शरद पूर्णिमा की पूजा जरूर करें और माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, यही निवेदन है आप सभी से। जय गणेश लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय।